गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आ जाइए बुक के पेज नंबर 125 में, थ्योरम 7.4 में। SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की तीन साइड्स अगर इक्वल हैं दूसरे ट्रायंगल की तीन साइड के, तो वो दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देखिए ऊपर डायग्राम बना, एक ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से। ठीक है ना, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 126 में, थ्योरम 7.5 RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, RHS का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। इफ इन टू राइट ट्राइंगल्स द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो राइट ट्राइंगल्स हैं, उसमें हाइपोटेनस एंड वन साइड जो होगी वन ट्राइंगल की, अगर वो इक्वल होगी टू द हाइपोटेनस के एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल के, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस ट्रायंगल में ये देखिए 90 डिग्री है दोनों का, ये हाइपोटेनस हाइपोटेनस दोनों इक्वल हैं दूसरे के, दोनों का बेस सेम है। ठीक है, ये इक्वल है, हाइपोटेनस इक्वल है और बेस दोनों का इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल के रूल से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए 7.3 में, एक्सरसाइज 7.3 में। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 and 3 आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4 and 5 मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, 1 और 3 आपके लिए होमवर्क रहेगा, 2, 4, 5 मैं बताऊंगी आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC, शो दैट AD बाइसेक्ट्स BC एंड AD बाइसेक्ट्स एंगल A। AD जो है एल्टीट्यूड है किसकी, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की ABC की, जिसमें AB इज इक्वल टू AC है, तो हमें शो करना है कि AD जो है बाइसेक्ट कर रहा है BC को, पहला ये शो करना है। सेकंड हमें ये शो करना है कि AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए, ये एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, जिसमें AB किसके इक्वल है, BC के। AB इक्वल है AC के। ठीक है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल है AC के। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर का हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखिए ट्रायंगल BAD और ट्रायंगल CAD, ये दो ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल CAD, ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल CAD, इन दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे क्या कॉमन है। ठीक है, तो देखिए एंगल ADB, एंगल AD, देखिए एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होगा कैसे, क्यों होगा, क्योंकि AD क्या है, एल्टीट्यूड है BC के ऊपर। ठीक है ना, एल्टीट्यूड है AD इस ट्रायंगल में। ठीक है, तो एंगल ADB इक्वल होगा एंगल ADC के, तो एंगल ADB इक्वल होगा एंगल ADC के, ADB ADC के। ठीक है, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हैं। ठीक है, देन AB इज इक्वल टू AC होगा, क्यों, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये क्वेश्चन में गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC होगा और ये आपका गिवन है। ठीक है, थर्ड अब देखेंगे हम, AD इज इक्वल टू AD, दोनों ट्रायंगल में इसमें भी AD है इसमें भी AD है, तो AD इज इक्वल टू AD कॉमन है। ठीक है, तो हमने ट्रायंगल BAD एंड CAD कंसीडर किया, इस तो इसमें देखिए ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है एंड AD इज इक्वल टू AD कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CAD के, ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CAD के बाय
by R H S congruence rule से. राइट एंगल दोनों में इक्वल है या हाइपोटेनस इक्वल है और परपेंडिकुलर दोनों में इक्वल है, ठीक है. बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए. जब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बी डी इज इक्वल टू सी डी होगा बाई सी पी सी टी से. देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू सी डी होगा बाई सी पी सी टी से, ठीक है. हैंस ए डी जो है बाइसेक्ट्स कर रही है बी सी को. जब बी डी इज इक्वल टू सी डी आ गया इसका मतलब जो ए डी है वो बाइसेक्ट कर रही है बी सी को. फर्स्ट प्रूफ हो गया. नेक्स्ट देखिए सेकेंड नंबर देखिए ऑल्सो हम लिखेंगे बाई सी पी सी टी बाई सी पी सी टी से एंगल बी ए डी. एंगल बी ए डी किसके इक्वल होगा? एंगल सी ए डी के. एंगल बी ए डी इक्वल होगा एंगल सी ए डी के. बी ए डी किसके इक्वल होगा? सी ए डी के होगा. किससे? बाई सी पी सी टी से. और जब ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा इसका मतलब ए डी जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को. हैंस ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ठीक. तो हमने क्या लिखा? बाई सी पी सी टी से एंगल बी ए डी किसके इक्वल है? सी ए डी के. तो ए डी जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को. ये प्रूफ हो गया. तो यही दोनों आपको प्रूफ करने थे. नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में. बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट द ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस. बी ई एंड सी एफ दो इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं एक ट्रायंगल ए बी सी की. यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल हमें यूज करके प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे. ये देखिए एक ट्रायंगल ड्रॉ किया हमने, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें बी ई एंड सी एफ दो इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं ट्रायंगल ए बी सी की. अब हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है? आइसोसेलेस, ठीक है. तो उसके लिए देखिए अगर हम ये दो साइड को प्रूफ कर दें कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी, इसका मतलब ये ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा कि आइसोसेलेस है, ठीक है. तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे इन ट्रायंगल बी ई सी, यानी इन ट्रायंगल बी ई सी यानी ये ट्रायंगल एंड ट्रायंगल सी एफ बी एंड ट्रायंगल सी एफ बी. बी ई सी एंड सी एफ बी इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखिएगा ये एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि दोनों क्या है? 90 डिग्री हैं. तो लिखेंगे एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल सी एफ बी. यहाँ लिखेंगे ईच 90 डिग्री. तो एंगल बी ई सी इक्वल है एंगल सी एफ बी के बाई ईच 90 डिग्री हैं, ठीक. फिर बी सी इसके इक्वल होगा सी बी के. बी सी इक्वल है सी बी के, दोनों कॉमन हैं. तो बी सी इज इक्वल टू सी बी. बी सी इज इक्वल टू सी बी है और ये दोनों कॉमन है, ठीक है. और बी इज इक्वल टू सी एफ गिवन है. बी इज इक्वल टू सी एफ गिवन है. तो ट्रायंगल बी ई सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी एफ बी के. तो ट्रायंगल बी ई सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी एफ बी के बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल से. बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल से, ठीक है. देयरफॉर एंगल बी सी ई यानी ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल सी बी एफ के बाई सी पी सी टी से. एंगल बी सी ई इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ बाई सी पी सी टी से. तो ये एंगल किसके इक्वल हो गया? इसके. एंगल बी सी ई यानी ये एंगल किसके इक्वल हो गया? एंगल सी बी एफ के. नीचे एंगल के बाई सी पी सी टी से. देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी. देयरफॉर आपको जो ए बी है वो ए बी जो है ए सी के इक्वल आ जाएगा. कैसे आ जाएगा? आपको बंदे ने पढ़ाया था कि जब दो इक्वल एंगल्स होते हैं, जो एक ट्रायंगल है उसमें अगर दो इक्वल एंगल्स होते हैं तो उसकी जो अपोजिट साइड होती हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होती हैं, ठीक. तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा. रीजन लिखेंगे हम साइड्स अपोजिट
टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल मीन्स जो साइड्स होती हैं अपोजिट होती हैं जो इक्वल एंगल्स के ऑफ ए ट्राइंगल के वो इक्वल होती हैं। हेंस आपका ये प्रूफ हो गया कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल एबीसी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए हमने कैसे किया है, हमने ट्रायंगल बीईसी एंड ट्रायंगल सीएफबी को कंसीडर किया। इसमें हमने ये बताया कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये दोनों एल्टीट्यूड एक दूसरे के इक्वल है, एंड बीसी इज इक्वल टू सीबी कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल से, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा बाय सीपीसीटी से, और जब ये एंगल इसके इक्वल हो गया तो इसके अपोजिट साइड ये है, इस एंगल के अपोजिट साइड ये है, तो ये भी दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी क्योंकि साइड्स अपोजिट जो होती है टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल के वो इक्वल होती हैं। तो ये प्रूफ हो गया कि एबीसी जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. Draw AP perpendicular to BC to show that angle B is equal to C. Triangle, एक ट्रैंगल ABC है जिसमें एक ट्रैंगल ABC है वो isosceles triangle है जिसमें AB is equal to AC दिया हुआ है। हमें ड्रॉ करनी है AP perpendicular on BC ये शो करने के लिए कि B एंगल B इसके इक्वल होगा एंगल C के। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए ये ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है जिसमें हमने ड्रॉ किया है ए पी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका गिवन क्या है कि ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल है ए सी के, एंड ए पी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए पी परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर। जब ए पी परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90, और ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ए पी बी एंड ए पी सी, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी सी, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी सी एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी ईच 90 डिग्री होगा। तो इस दोनों ट्रायंगल में देखेंगे कि एंगल ए पी बी किसके इक्वल होगा, एंगल ए पी सी के दोनों 90 डिग्री हैं, क्योंकि फिर ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। ठीक है, और ए पी इज इक्वल टू ए पी दोनों में कॉमन है, ए पी इज इक्वल टू ए पी कॉमन है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल ए देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए पी सी बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल से। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन था, ये क्या है आपकी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी सी में एंगल ए पी बी इसके इक्वल है, एंगल ए पी सी के दोनों 90 डिग्री हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए पी इज इक्वल टू ए पी कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल से। जब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल बी इसके इक्वल होगा, एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के बाई सी पी सी टी से, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, इसे घर में अच्छे से लगाइएगा, बाद में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।